नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। जबलपुर हनुमानताल थाना अंतर्गत आज रात्रि लगभग 9 बजे करीब मोहरिया मक्का नगर 8 नंबर गली में एक युवक द्वारा महिला सहित पुरुष पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें महिला के हाथ में चोट लग गई और बीच बचाव करने पहुंचे पुरुष पर भी हमला कर दिया, जिससे कमर पर चोट लग गई। घटना की सूचना थाना हनुमानताल को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच करते हुए दोनों पक्षों से पूछताछ कर रिपोर्ट दर्ज की। घायल हुए महिला और पुरुष ने बताया कि ये युवक रोजाना बस्ती में शराब पीकर उत्पात मचाता है और तलवार लेकर बस्ती वालों पर हमला कर देता है, जिससे पूरी बस्ती परेशान है। कि कई बार पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की उचित कार्यवाही नहीं हुई है। युवक द्वारा इस तरह तलवार लेकर बस्ती वालों पर हमला करने से भय का माहौल बना हुआ है। बताइए क्या हुआ है। हाँ, मैं इनके बाजू में रहता हूँ और मेरा घर इनसे थोड़ा सा सटा हुआ है। रात में क्या है कि हमारे घर के जस्ट बाजू में। कहाँ रहते हैं आप? आजाद नगर मोहरिया गली नंबर 8। क्या मारपीट हुई है, किसने मारा है? इरफान नाम का लड़का है, वो आया बोला कि तुम लोग ये बक्से चाहे उनके यहाँ पार्टियाँ, बच्चे का जन्म हुआ रहा, उनने जन्मदिन मना रहा, 6-6, 7-7 बक्से लगा रहे हैं उन लोगों ने। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक उन लोगों ने डांस प्रोग्राम करते हैं और आए दिन जन्मदिन मनाते रहते हैं। वो किराएदार बेचारे को धमकी दे रहा है आके बार बार कि तुम लोग बक्से बजा रहे हैं, ये है वो है, उन लोग को गाली बक रहे हैं। जब हमारे मामू, ये फौजी मामू जो आए और बात करने लगे, तो उन लोग से बोलने लगे बक्से बंद करो, तो फौजी मामू बोले कि हाँ ठीक है बेटा, बंद कर दे रहे जाओ तुम लोग ये। तो फिर इतने में तलवार ले आए निकाल के चमकाने लगा कि, तो मैंने बोला कि भैया ये क्या है, मोहल्ला परिवार है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं और तू तलवार लेके आया है। आपके ऊपर इन्हें हमला किया है तलवार से? जी हाँ। तो कहाँ मारा आपको तलवार? मेरे पेट में मारा है और हाथ में मारा है। इसकी रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? जी हाँ, रिपोर्ट लिखाई है मैंने। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस जाती है और आ जाती है, भाग जाता है, 10-15 मिनट छुपा रहता है, फिर वापस आके फिर गाली बकने लगता है। वो घर के अंदर घुसा रहता है, आधा एक घंटा रुक के तो देखिए, वो घर के अंदर घुसा रहता है और वो घर के अंदर ही घुसा रहता है। वो फिर घर से निकल के आके तलवार लेके और फिर इन लोग के घर में पत्थर, रात 2-2, 3-3 घंटे तक इनके घर में पत्थर और ईटा बरसा रहे। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीज। मैं मोहरिया की 8 नंबर गली से आई हूँ और हमको इरफान ने आज तलवार से मारा है और इम्मू भी साथ में था उसके, और कल भी मारा और पूरी रात मेरे दरवाजे पीटा है, पत्थर से तोड़ फोड़ खूब करा है दरवाजे में, और आज ऊपर तक ईंटे मारा है उसने, और ये हाथ में मेरे तलवार और कंधे में मारा है। किस बात को लेके मारपीट किया इसने, कौन है ये? ये ज़बरदस्ती में वहाँ पार्टी वगैरह चल रही थी तो वही बंद करवाने के लिए आया, तो हमारे आदमी ने बोले कहे हो गया बेटा बंद करवा दे रहेंगे, बस उतने में उनके ऊपर तलवार धर दिया और फिर सबको खदेड़ने लगा मारने के लिए, और हम लोग तीनों जन भागे, हम माँ बेटे और ये मेरी बेटी, तीनों जन हम लोग भागे हैं, तो फिर ये जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं पड़ोसी, तो इनको मार दिया तलवार खींच के। रिपोर्ट इसकी दर्ज कराई? जी हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कुछ भी नहीं, बस पुलिस जाती है वो भाग जाता है और फिर छुपा रहता है कहीं पे, और फिर आगे फिर मारने की धमकी देता है, कहता बाहर निकल मार डालेंगे। नाम आपका? मेरा नाम रजिया परवीन है। ठीक।